अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं फैसलाबाद में हूँ और फैसलाबाद रॉयल्टन होटल में हो रही है कुकिंग शो की शूटिंग। तो आज हम आपको लेके चलेंगे उस कुकिंग शो के बिहाइंड द सीन्स पे और आपको दिखाएंगे कि कुकिंग शो कैसे शूट होता है, उस पर कैमरा वर्क कैसे किया जाता है और आपको जो कुकिंग शो है उनके होस्ट, शेफ और वहाँ पे जो लोग आए उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और कुकिंग शो की बिहाइंड द सीन आपको दिखाएंगे। सो लेट मी चेंज और उसके बाद हम चलते हैं रॉयल्टन होटल फैसलाबाद और कुकिंग शो के बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं रॉयल्टन होटल, तो हमारे साथ ये अदनान भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, रॉयल्टन और मेरिट के कोलैबोरेशन से कुकिंग शो शूट हो रहे हैं, उसका BTS आज आपके साथ शेयर होगा और डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कुकिंग शोज कैसे शूट होते हैं, क्या क्या रेसिपीज बनती हैं जो कि बड़ी आसानी से आप घरों में बना सकते हैं। यार अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू होगी प्रोग्राम की, तो फिर आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में आज कौन सा रेसिपीज बनाएंगे। आपका क्या करेक्टर है इसमें? मेरा इसमें करेक्टर है कि करेक्टरलेस करेक्टर है इसमें मेरा वैसे एक पठान का करेक्टर है इसमें और हम शो में थोड़ा सा फन क्रिएट करेंगे ताकि लोग रेसिपीज भी सीखें और एंजॉय भी करें। मुसद्दिक हमारे शो के होस्ट हैं। हाय, मुझे एक बात बताएं, ये रिकॉर्डिंग आप अलग से होती है, इसको फिर बाद में ओवरले करते हैं? नहीं, ये अटैच है माइक के साथ, कैमरे के साथ वायरलेस अटैच है। हाँ जी, क्योंकि ये देखे ना, ये एक मेरे पास है यहाँ पे, सही, और ये वायरलेस है, दूसरा जो है वहाँ पे लगा हुआ है वो सामने मेन कैमरा में। उसके बाद जो है ये सारी जो भी अभी ऑडियो है ये इन माइक में रिकॉर्ड होती है डायरेक्ट, जैसे वीडियो के साथ। जी डायरेक्ट। ये हमारे पठान खान है। सलाम अलैकुम, साईं, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक। आपका मकसद क्या इधर आने का? बिना मकसद इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। हमने सोचा कि चले इनको कोई थोड़ी सी फेवर दे देते हैं, हमने इनको मेरा इस दुनिया में आने का देखो कोई मकसद नहीं है, इधर मेरे पाकिस्तान में फैला ईंट लगा हुआ है तो साथ। तो पठान खान जी हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे जो है वो आर्टिस्ट हैं, तो फ्री थे, इनकी वो नस्वार आजकल नहीं चल रही थी, रमजान है, तो हमने कहा कि रोजा रखता है तुम्हारे तरह थोड़े आप मुझे एक बात बताए यहाँ पे, सिर्फ पहली बात बताइए की आपके यहाँ पे बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अपनी लिमिट पर बोल रहा है सारा, इस तरह लिमिट के देख, हर चीज का दुनिया में लिमिट होता है, गाड़ी के स्पीड का भी लिमिट है लेकिन पठान खान का कोई लिमिट नहीं। लेकिन पठान खान का कोई लिमिट नहीं, पठान खान क्या नाम है? उसका पठान के रेसिपी का नाम नहीं है, पेशावर का तुमको अभी तुमने रोजा गुजार ले, रोजों के बाद चलना हमारे साथ, फिर कराएंगे आपको दौरा वहाँ का, अभी तो थोड़ा बिजी होता है चलता है आजकल प्रोग्राम में। वहाँ से गाड़ी मिलेगी? वहाँ से गाड़ी भी मिलेगी, ट्रैक्टर भी मिलेगा, ट्राली भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बारीक बातें करते हैं जरा। नहीं, मैं कहूँगा असलामुअलैकुम एवरीवन, और एक नए दिन के साथ एक नया रोजा, और स्पेशली जो है आप सबका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप सब जो है हमारी वीडियोस को इतने जबरदस्त तरीके के साथ जो है वो देखते भी हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, और आपका जो फीडबैक है वो हमें बहुत जबरदस्त आता है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज एक दफा फिर से हम इजी पकाना, और इजी पकाना में हम रॉयल्टन में है। असलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपका? ये मेरे साथ मुसद्दिक ने जो है तारुफ सही तरीके से नहीं कराया, मैं बता रहा था, बता रहा था, मैंने देखा तुम्हारा बताना कैसा बताना, कैसे पठान मेरा नाम है और ये कुकिंग शो में इन्होंने मुझको बुलाया बड़े दोस्त से पेशावर से, तो सर आपको इज्जत देने के लिए बुलाया, इज्जत देने के लिए कैसे इज्जत दे देगा, बाहर डाला खड़ा मेरा गार्ड खड़ा हुआ है, तो तुमने इज्जत नहीं देगा तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? आपने इनकी बातों में गौर नहीं करना, हमारे पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे सर, मैं थोड़ी देर तक जो है वो शो शुरू होने वाला है, आप लोग इसकी जो वो BTS है वो मेरे ख्याल में वही वो BTS बिल्कुल BTS आप देखेंगे, और वैसे तो किसी को जो है ये इजाजत नहीं होती कि कोई आप कुछ इस तरह से दिखा दे, लेकिन हमाद साहब के ये जो BTS है इसमें आपको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, सेट कैसे लगता है, शेफ कैसे जो है वो बात करते हैं, फिर उसके बाद कैमरा कौन सा है, और रिकॉर्डिंग वाला भी इन्होंने बताया आपको, तो ये देखे ना कितनी चीजें आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो ये एक टीवी चैनल के जो शोज होते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है ये सारा कुछ आपको सीखने का आज मौका मिल जाएगा। अगर आप इस तरह का शो करना चाहते हैं इस वीडियो को गौर से देखें, आप लोग सारा सीख जाएंगे। ये हमारे रॉयल्टन के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं शफकत साहब, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा जी, जो कि बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि जो कैप है इसका, ये जो ऊंची सी हेड कैप है जिसको, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं हीट के ऊपर ना जी,
तो हमारे सर में आ रहा है पसीना जी। जब पसीना आता है तो बाल कमजोर हो जाते हैं ना, सही। तो जब हम काम कर रहे होते हैं वो इजीली बह जाते हैं, सही, वो चीज में गिर जाते हैं, तो ये उसको संभाले रखता है, गिरने नहीं देता। और पीछे की तरफ जब हमें पसीना आता है तो ये हमारा जो कोट होता है ये होता है कॉटन का, जो पसीने को अब्सॉर्ब कर लेता है, सही। इसकी वजह से हमारे बाल जो है वो फूड के अंदर नहीं जाते। बेसिकली ये बालों की सेफ्टी, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं भी बड़ा सोचता था लेकिन आज मुझे मौका मिल गया पूछने का। ये कोई शौक नहीं है पहनने का, अच्छा नहीं लगता, ये सेफ्टी है बेसिकली। आज जो है टोटल 5 रेसिपीज जो है शूट हो रही है, जिसमें 2 ड्रिंक्स है, 4 दो ड्रिंक्स, आज 2-3 ड्रिंक्स हैं, एक स्वीट है और एक मेरा ख्याल है शक्कर भाई, 2 ड्रिंक्स हैं, एक स्वीट है और एक क्या है, एक फ्राइड है, एक फ्राइड है, एक फ्राइड है, चिकन फ्राइड की एक रेसिपी, लाइक फ्राइड। दूध का कोई शब्द है कि ये भैंस का डालना है, गाय का डालना है या बकरी का डालना है, ये कोशिश करें कि भैंस मिले, भैंस का तो बस मिल जाता है। लेकिन खान साहब आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारी ये जो डिशेज है आप इसे इजीली करके तैयार कर सकते हैं, और ये हमारी जो वीडियोस हैं इनका मकसद भी यही है कि आप इजीली करके अपना नौकर चाह कर लगा हुआ है बनाने के लिए, आप बहुत बनाता अच्छा लगता है पटाखा का। यहां पे दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, रब रखा हो चुकी है। यार वो उस पर मुझे बड़ी ऐसी आई, क्या कहा था इसको, इसको आराम आराम से लाना, तो कहते हैं रोने लग पड़ता है, ये रोने लग पड़ता है मतलब आराम से क्यों, मेरी तो थोड़ा सा ठीक बोल रहा तुम से बेहतरीन है। अभी ना इसको एक फाइनल देख लेना है, वो बोला आप लोग देख सकते हैं कि हमारे की वीडियो और मेरे ख्याल में हमारे चैनल का सर बड़ा जबरदस्त नेम है लाइफ 360। और इस चैनल का जो मुझे सर लगता है कि इसका मतलब ये है कि आप हर किस्म की चीजों को डिस्कस करेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने बताया था कि कोई जेनर स्पेसिफिक नहीं है चैनल, आप लोगों को बता देते हो कि कोई भी अभी मेरे ख्याल में हमारे पूरे पाकिस्तान में इस थीम के ऊपर काम नहीं कर रहा, इस थीम पे चैनल नहीं, लेकिन इस चैनल पे आपको ईच एंड एवरी थीम के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबको भी इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो पता चले। रेसिपी शूट हो चुकी है, अब हम बढ़ रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। आप सबको बताते चलो कि आज के हमारे इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है मैरिट ब्रेड ने, और पहले भी हमने मैरिट ब्रेड के प्रोडक्ट के साथ जो है बड़ी जबरदस्त डिशेस बनाई। आज एक दफा फिर से कौन सी ऐसी जो प्रोडक्ट है वो मैरिट ब्रेड की यूज हो सकती है और उससे क्या डिश बन सकती है, आइए देखते हैं। एक दफा फिर ले रहे मैं हल्का सा टक गया, आज कौन सी आज एक स्वीट में डिश लेके आए, इसका नाम है क्रंची कॉकटेल कस्टर्ड, और इसके साथ ही हम लोग जो है वो इसमें पाइनएप्पल का एडिशन करेंगे, और इसको क्रंची करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस
मेरिट का। मेरिट में हम लोग ने इनकी जो बागर खानी है वो यूज कर रहे हैं, बाकी खानी यूज कर रहे हैं, बड़ी क्रिस्पी और क्रंची है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। ये पान और ये जो ग्रीन है इन्हीं से हम लोग वापस क्या फिर आ गया। तीन चार दिन के लिए बोला ना आया तुम्हारे पास। अच्छा तीन चार दिन के लिए तो बता रहा हूं कि कपड़े दिन आया तो मैं था दो तीन दिन पहले। तो अभी कपड़ा तो अभी ये तुमने बोला स्पॉन्सर प्रोग्राम है, पेमेंट पे लेकर कपड़े कौन सी पेमेंट आपको दाम में मार है। चलो यार तुमसे कौन बात करता है, आप बताओ क्या बना रहे हैं। सही है। अच्छा कुछ खाया भी है, कहां थे आप? कुछ भी नहीं खाया, खाली पीने के उसे नहीं किया, कोई ऐसे कोई सा समोसा खाया और थोड़ा सा फ्रूट चाट एक प्लेट खाया। खाने में कितना मजे का लगेगा ये। ले जी आपने आज बिहाइंड द सीन्स देखा और इस ये बिहाइंड द सीन्स जिस जिन एपिसोड का शूट हो रहा था उनकी एपिसोड आप मुसद्दिक के चैनल पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मुसद्दिक ऑफिशियल MUSADDIQ ऑफिशियल आप लोग यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ पे ये सारी एपिसोड्स हैं और हमारे पहले शोज भी हैं। लेकिन उन एपिसोड्स को कैसे बनाया जाता है ये आज आप इस वीडियो में जरूर आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से हम लोग सारा काम करते हैं और ये सारे काम को इसको रिकॉर्ड करने का जो क्रेडिट है वो लाइव 360 को जाता है। सर थैंक यू सो मच लोगों को बताने के लिए कि आप जो है एक शॉर्ट बजट में अच्छा काम कैसे कैसे कर सकते हैं। जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। मुसद्दिक के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम नई न्यू वीडियोस लाएं आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाए। थैंक यू सो मच।